102 द्वितीय वर्ष कला इच्छाधीन ओडिया व्याकरण विभाग आमे अलंकार आज आलोचना करिबा। व्याकरण विभाग तुम पे बोर्ड परीक्षार प्रश्न 20 नंबर आसीबो हला 10 नंबर होची व्याकरण शॉर्ट क्वेश्चन एवं आउ 10 नंबर होची व्याकरण लॉन्ग क्वेश्चन हला। तेणुक पे यही पे प्रश्न आसो तुम्हें आलोचना होगी सब गुट देखनी भिडियो को गोटे गोटे लाइक कर और जदि सीएचएससी लर्निंग हब चैनल को नुआ करी जो पे आसुच तेल चैनल को सब्सक्राइब कर दि। प्रथम प्रश्न ये अच्छी लाटानुप्रास अलंकार क्या कहुए ना शब्द और अर्थ उभय पुनरुक्ति होगा सत्वे से उभय कौन सी तात्पर्यगत पार्थक्य थी ताकि लाटानुप्रास अलंकार कहुए। अंत्यानुप्रास अलंकार क्या कहुए पादर अंत्य व्यंजन वर्ण और उपात्य वर्णर समता रही आवृत्ति करागला अंत्यानुप्रास अलंकार कहुए। जमक अलंकार क्या कहुए भिनार्थबोधक समचारित शब्दर पुनरावृत्ति को जमक अलंकार कहुए। जमक अलंकार केत भाग में विभक्त जमक अलंकार हूँ पांच भाग विभक्त आद्य जमक मध्य जमक प्रांत जमक माल जमक सर्वजमक। आद्य जमक अलंकार क्या कहुए पादर आरंभ में जमक रही आद्य जमक अलंकार कहुए। मध्य जमक अलंकार क्या कहुए पादर मध्य भिनार्थबोधक समचारित शब्दर पुनरावृत्ति हेले मध्य जमक अलंकार कहुए। प्रांत जमक अलंकार क्या कहुए भिनार्थबोधक समचारित शब्दर पुनरावृत्ति पादर शेषे थे प्रांत जमक अलंकार कहुए। माल जमक अलंकार क्या कहुए पाद मध्य मालबद्ध भाव भिनार्थबोधक समचारित शब्द थे माल जमक अलंकार कहुए। सर्वजमक अलंकार क्या कहुए पादर समस्त पादर समान समान शब्द पृथक पृथक अर्थ में प्रयोग सर्वजमक अलंकार कहुए। श्लेष अलंकार संज्ञा निरूपण कर पद मध्य उच्चारित गोटे शब्द एकाधिक अर्थ में प्रयोग हेले श्लेष अलंकार होता है। अलंकरण अलंकार अर्थ कौन अटे काव्यर सौंदर्य हूँ अलंकार यार अर्थ काव्यालंकर क्या कहुए काव्य श्रेष्ठा निज काव्यर सृष्टि वैचित्र को अधिक सरस सुंदर करने जो अलंकार आश्रय नहीं थाए ताव्यालंकर। व्याकरण शास्त्र में अलंकार परिभाषा कौन अटे अलंकरोति इति अलंकार अर्थात जहाँ काव्य को अलंकृत बा सुशोभित करे ताहा हेउछि अलंकार। शब्द दृष्टि अलंकार मुख्यतः केते भाग रे विभक्त करा जाय छे शब्द और अर्थ दृष्टि अलंकार मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त यथा शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। शब्दालंकार काहा को कहा जाए शब्द उपर गुरुत्व आरोप कर जो अलंकार सृष्टि ताहा हेउछि शब्दालंकार। अनुप्रास अलंकार संज्ञा निरूपण कर पद वाक्य मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार व्यवहृत हेले अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार प्रकार भेद दर्शाओ अनुप्रास अलंकार को पांच भाग में विभक्त करथा छेकानुप्रास अलंकार वृत्त्यानुप्रास अलंकार सूच्यानुप्रास अलंकार लाटानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार है सब देखीद मन रख। तापर अच्छी छेकानुप्रास अलंकार क्या कहुए थे बहु व्यंजन वर्णर साम्य रही क्रमानुसार बारंबार आवृत हेले छेकानुप्रास अलंकार कहुए। वृत्तीयानुप्रास अलंकार क्या कहुए पर्याय क्रमे हेउवा न हेउ जदि गोटे व्यंजन वर्ण वाक्य मध्य बारंबार उच्चारित हुए तेबे ताकु वृत्तीयानुप्रास अलंकार कहुए। श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या कहुए साधारणतः कंठ तालु मूर्धि दंत ओष्ठ प्रभृति मध्य जेकोसी गोटे स्थान उच्चारित व्यंजन वर्ण मानक आवृत्ति को श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहुए। श्लेष अलंकार को केते भाग में विभक्त कर श्लेष अलंकार को मुख्यतः तीन भाग में विभक्त करथा अभंग श्लेष सभंग श्लेष भंगा भंग श्लेष। अभंग श्लेष अलंकार क्या कहुए जोठे शब्द को न भांगी भिन्न भिन्न अर्थ में व्यवहार कराए ताकि अभंग श्लेष अलंकार कहुए। सभंग श्लेष अलंकार क्या कहुए जोठे शब्द को भांगी भिन्न भिन्न अर्थ कराए ताकि सभंग श्लेष अलंकार कहुए। भंगा भंग श्लेष अलंकार क्या कहुए जोठे अभंग और सभंग उभय श्लेष थाए और दिव्यत अर्थ प्रकाश करू थाए ताकि भंगा भंग श्लेष अलंकार कहुए।
अर्थालंकार काहाकु कहुए शब्दर अर्थ उपरे गुरुत्व आरोप करी जो अलंकार सृष्टि हुए ताकु अर्थालंकार बोली कहुए। अर्थालंकार को केते भाग रे विभक्त करा जायछि? अर्थालंकार को मुख्यतः पांच भाग रे विभक्त करा जायछि, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, उत्प्रेक्ष्य अलंकार, विभावना अलंकार। उपमा अलंकार बोली काहाकु कहा जाए? समधर्म विशिष्ट दुईट भिन्न भिन्न जातीय वस्तुर सादृश्य कथित हेले ताकु उपमा अलंकार बोली कहा जाए। उपमार चारिगोटी अंग कण कण? उपमार चारिगोटी अंग हेउची उपमेय, उपमान, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय बोली काहाकु कहा जाए? जहाँ विषय रे कहा जाए बा जे वस्तु को तुलना करा जाए ताकु उपमेय बोली कहा जाए। उपमान काहाकु कहा जाए? जहाँ सहित उपमेय को तुलना करा जाए ताकु उपमान बोली कहा जाए। उपमावाचक शब्द काहाकु कहा जाए? जे शब्द उपमान उपमेय मध्यरे थिबा साधारण धर्म को संप्रक्त करे ताकु उपमावाचक शब्द बा सादृश्यवाचक शब्द कहा जाए। यथा प्राय, परी, यथा, तथा, जेने, जेसन, तुनिल इत्यादि है। साधारण धर्म कण अटे? उपमेय और उपमान को जो साधारण गुण द्वारा तुलना करा जाए ताहा साधारण धर्म अटे। उपमा अलंकार को केते भाग रे विभक्त करा जाइछि? उपमा अलंकार को तीन भाग रे विभक्त करा जाइछि, यथा पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, पालोपमा। पूर्णोपमा अलंकार काहाकु कहा जाए? जेउथिरे उपमेय, उपमान, उपमावाचक शब्द एवं साधारण धर्मर प्रयोग होइथाय ताकु पूर्णोपमा अलंकार बोली कहा जाए। लुप्तोपमा अलंकार काहाकु कहा जाए? जेउठारे उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म मध्यरु एक बा एकाधिक अंगर लोप होइथाय सेठारे लुप्तोपमा अलंकार होइथाय। मालोपमा अलंकार काहाकु कहा जाए? गोटे उपमेय रो एकाधिक उपमान थिले सेठारे ताकु मालोपमा अलंकार कहा जाए। रूपक अलंकार काहाकु कहा जाए? जेउठारे उपमान और उपमेय मध्यरे अभेद कथित होइथाय सेठारे रूपक अलंकार हुए। रूपक अलंकार केते भाग रे विभक्त? रूपक अलंकार मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त, सांग रूपक, निरंग रूपक, परम्परित रूपक। सांग रूपक काहाकु कहा जाए? जेउठारे उपमेय रा विभिन्न अंग रे उपमान रा विभिन्न अंग आरोपित हुई ताकु सांग रूपक अलंकार कहा जाए। निरंग रूपक अलंकार काहाकु कहा जाए? जेउठारे गोटिए उपमेय रा गोटिए उपमान रा आरोप होइथाय ताकु निरंग रूपक अलंकार कहा जाए। परम्परित रूपक अलंकार काहाकु कहा जाए? जेउठारे गोटिए वस्तुर आरोप निमित्त अन्य एक वस्तुर आरोप आवश्यक होइथाय ताकु परम्परित रूपक अलंकार कहा जाए। उत्प्रेक्ष्य अलंकार काहाकु कहा जाए? प्रकृत वस्तुरे अप्रकृत वस्तुर संभावना करागले सेठारे उत्प्रेक्ष्य अलंकार हुए। उत्प्रेक्ष्य अलंकार केते भाग रे विभक्त? या दुई भाग रे विभक्त, वाच्योत्प्रेक्ष्य अलंकार, प्रत्ययमान उत्प्रेक्ष्य अलंकार हला। तापरे वाच्योत्प्रेक्ष्य अलंकार काहाकु कहा जाए? जेउठारे वाचक शब्द यथा कि, अबा, अबा बा सते, जेपरी, जेने, सिना इत्यादि प्रयोग द्वारा प्रकृत वस्तु को अप्रकृत वस्तु रूप संभावना करा जाए ताकु वाच्योत्प्रेक्ष्य अलंकार बोली कहा जाए। प्रत्ययमान उत्प्रेक्ष्य अलंकार काहाकु कहा जाए? जेउठारे वाचक शब्द उह रही प्रकृत वस्तु को अप्रकृत वस्तु रूप संभावना करा जाए थे ताकु प्रत्ययमान उत्प्रेक्ष्य अलंकार कहा जाए। व्यतिरेक अलंकार काहाकु कहा जाए? उपमान ठारु उपमेयर आधिक्य कथित हेले ताकु व्यतिरेक अलंकार कहा जाए। विभावना अलंकार काहाकु कहा जाए? कारण नथाई कार्यर उत्पत्ति हेले विभावना अलंकार होइथाय हला। उपमान और उपमेय मध्यरे अभेद कथन को केउ अलंकार कहा जाए? रूपक अलंकार कहा जाए। गोटे उपमेय एकाधिक उपमान थिले केउ अलंकार कहा जाए? मालोपमा अलंकार बोली कहा जाए। एथि पिला माने प्रश्न आसीब देखि दियो पिला माने पदर सर्वत्र जमक रहिले केउ अलंकार हुए? सर्वजमक अलंकार हुए। निम्नलिखित पदर अलंकार निरूपण कर। मंगले अइला उषा, बिकच राजविदृषा, जानकी दर्शन तृषा, हृदय बही। एटा होची वृत्त्यनुप्रास अलंकार हला। आउ गोटे अच्छी कौन? असंभाले पिटी कुंतल भूमि जाए परसी, जेणे अनाउछी ललना फूल जाए बरसी। एटा होची श्रुत्यनुप्रास अलंकार। एथिरे अच्छी उपाधि जड़िते उपाधि जड़ित उपाधि रे आजी करिबे जड़ित, लाटानुप्रास अलंकार।
अप्राकृत प्रेम तानाम काम आयत रहे कि से हेले बाम अंत्यानुप्रास अलंकार बरजी बरसे देई मानस बरजी बरसे अमेध्य ग्रास आद्य जमक अलंकार हला देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 शोभित एथिर अछि मध्य जमक अलंकार खेपणी खेपणे तोहरी सलिले हीरकर उच्छ उठिला सलिले प्रांत जमक अलंकार बृह भानु भानु भानुप्रभा ताप नाही मृत तमाळ माळ माळती लता जही माळ जमक अलंकार अहि मकर तापनासे शोभा सारस चक्रे अहि मकर तापनासे शोभा सारस चक्रे सर्वजमक अलंकार तापर अछि मदाक्षरे कहा मुखतु चाहिमो नाही ध्यानरे तापरा रसिबु अबा काही अभंग श्लेष अलंकार मधुपर पद अनंत सेजे पद्माकरर मंडनता सर्जे संभव श्लेष अलंकार तापर अछि आसन सकाशे वृद्धे एड़ेबाई बाळके जेसने क्रीड़नक पाई पूर्णपमा अलंकार अदृश्य सोमफूल भितरे बास सत्तिकर न थाए नासे प्रयास लुप्तपमा अलंकार तापरे सागर समूहे जथा क्षीरार्णव वृंदारक वृंदे जेमंत बासव मालपमा अलंकार दरिहुता पंकपूर्ण मो जीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उद्दर परम्परित रूप अलंकार एथिर अछि तापर अछि कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोक तार उपमाता सांग रूपक अलंकार संशय संशय दोळारे पड़ी चित्त मोर हेउ अछि आंदोलित छार नारी होई केमन्ते बुझिबे तोर गुढ़ चरित निभंग रूपक अलंकार एटा होछि निभंग रूपक अलंकार निभंग रूपक अलंकार हला तापर अछि स्वर्गपुरु केउ देवी की सद्य सापर फले सुदेहरे खसी पड़ी आसी अवनी तले वाक्योत प्रेक्षा अलंकार के बोलोई मुहि अटई पुलिस बिना मेघे सृष्टि पारई कुलिस विभावना अलंकार इथला पिला माने अलंकार रु आमे कौन कले ना एक मार्किया प्रश्न आलोचना कले जोड़ा कि 20 मार्क प्रश्न आसो तुम व्याकरण विभाग 10 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन एवं आउ 10 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन बुझे 10 10 ही 20 मार्क व्याकरण विभाग आसो तेणुक पे जो आस आलोचना हो मोर शेष पर्यटन देख भिड को गोटे गोटे लाइक कर और जदि सी एच एस सी लर्निंग हब चैनल को नुआ कर जो पाने आसे चैनल को सब्सक्राइब कर दिव ग्रुप व्हाट्सअप नंबर 6371 26 1213 सेकेंड लिखे मेसेज कले मतलब सेकेंड ग्रुप ही आड करदेवि रोच पे वंदे उत्कल जनन।